नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल में। और आज का हमारा विषय है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। जी हाँ, आज हम लोग पढ़ेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में। तो आप लोगों को याद होगा कि जब हम लोगों ने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था, उस टाइम पे स्टार्टिंग में ही मैंने आपको डिफरेंशिएशन के बारे में बताया था, तो उसमें हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन का भी मैंने उल्लेख किया था। लेकिन चलिए फिर से आज थोड़ा सा इसको और विस्तार से पढ़ेंगे हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को। ठीक है, बड़ा ही इजी सा टॉपिक है, आप देखिए आपको समझ में आ जाएगा। इसमें मैं आपको कुछ प्रूफ भी बताऊंगी। ठीक है, चलिए। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, मान लेते हैं y इक्वल टू fx एक फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा फंक्शन है y इक्वल टू fx। अब अगर आप इसका इस y का ऑन डिफरेंशिएटिंग y विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको क्या मिलेगा? ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और ये हो जाएगा डी ऑफ एफ एक्स बाई डी एक्स। सही है ना? अच्छा, इसको आप क्या बोल सकते हो? इसको आप एक बार डिफ्रेंशिएट किए तो एफ डैश एक्स बोल सकते हो, बोल सकते हो ना? तो ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। ये मेरा क्या है? तो इसे हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सिमिलरली अगर आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, अगर आप इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हो, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, आप इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर रहे हो एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा? आप देखो, ये डी वाई बाई डी एक्स था ना और ये एफ डैश एक्स था ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ दिस मीन्स व्हाट? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसको डिफरेंशिएट करना है तो ये हो जाएगा डी बाय, या फिर इसको भी आप लिख सकते हो, ठीक है, डी बाय डी एक्स ऑफ, दोनों तो इक्वल टू है ना, किसी को लिखो, इसे लिखो या फिर इसे लिखो, तो डी बाय डी एक्स। देखो आपने क्या किया, एक बार डिफरेंशिएट किया तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल डी एफ एक्स बाय डी एक्स, अगेन डिफरेंशिएटिंग, यानी कि इस पूरे में एक बार डी बाय डी एक्स लगाया और इस पूरे में एक बार डी बाय डी एक्स लगाया। ठीक है, तो यहां पे क्या है? डी एफ एक्स बाय डी एक्स। ठीक, सो दिस इंप्लाइज दैट आपका क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट आपका हो जाएगा डी डी, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स डी एक्स, तो डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी एक्स स्क्वायर, ये डी एक्स पूरे डी एक्स का स्क्वायर है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका? डी टू एफ एक्स बाय डी एक्स स्क्वायर। तो आपका यहां पर जब वन था तो आपने इसको एफ डैश वन टाइम डैश किया, और जब यहां पर ये टू है तो आप यहां पर क्या करोगे? दो बार डैश करोगे। ठीक है, सो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ डबल डैश एक्स। इसका मतलब इसको आप शॉर्ट में वाई टू भी लिख सकते हो। ठीक है, वाई टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ डबल डैश एक्स। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को शॉर्ट में ये बोलते हैं। ठीक है, एंड दिस इक्वल टू दिस, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगेन आपको मान लीजिए डिफरेंशिएट करना है, तो सेकेंड ऑर्डर में इतना आया था, यानी कि अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ दिस, दिस मीन्स व्हाट? डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी बाय डी एक्स ऑफ दिस, दिस मीन्स वॉट? डी टू एफ एक्स बाय डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज दैट आप क्या बोल सकते हो? डी इंटू डी स्क्वायर, आप बोलोगे ना डी थ्री वाई बाय डी एक्स इंटू डी एक्स स्क्वायर, तो डी एक्स का क्यूब हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा? डी इंटू डी स्क्वायर, तो डी क्यूब एफ एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स स्क्वायर डी एक्स क्यूब। ठीक है, तो आप इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हो? आप देखो, आप इसको क्या लिख सकते हो? दिस इंप्लाइज दैट ये हमारा, हम बोल सकते हैं ना वाई थ्री, बोल सकते हैं ना तीन बार डिफरेंशिएशन वाई थ्री, क्यूब मत कर देना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है? ये वाई ऊपर थ्री कर देते हैं, इसका मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा वाई क्यूब। हम यहाँ वाई क्यूब की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बोल रहे हैं वाई थ्री, यानी कि तीन बार डिफरेंशिएशन, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है,
तो वाई थ्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ थ्री टाइम्स है ना, तो वन टू थ्री ट्रिपल डैस एक्स, और इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये हमारा हो जाएगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। अच्छा, अब सिमिलरली अगर ये कंटिन्यू चलते जाए अप टू एन टाइम्स तब क्या बोलेंगे, अगर ये कंटिन्यू एन टाइम्स चलता जाए तो क्या बोलेंगे। तो आपने एक चीज देखा, क्या देखा कि अगर एक बार डिफ्रेंशिएशन हुआ तो y1 इक्वल्स टू एफ डैश एक्स हो गया, या फिर इसे हम बोल सकते हैं dy वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू दिस। अगर दो बार हुआ तो d2y टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एफ डबल डैश एक्स हो गया। तीन बार हुआ तो d3y थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू एफ ट्रिपल डैश एक्स हो गया। सिमिलरली अगर ये, खुद सोचो आप, जब थ्री टाइम्स में क्या हुआ तो d3y, अच्छा इसको मैं साफ से लिखती हूँ, ठीक है, रुक जाओ, इससे हम साफ से थोड़ा सा लिखते हैं कि तीन बार में मेरा डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू एफ ट्रिपल डैश एक्स। सिमिलरली अगर ये एन टाइम्स जाएगा तो क्या हो जाएगा, सोच के देखो, एन टाइम्स, तो एन टाइम्स में हम लोग बोलेंगे डी एन एक्स, सॉरी डी एन वाई, डी एन वाई, जब ये वाई था ना डी थ्री वाई, तो ये क्या हो जाएगा डी एन वाई, हाँ जी, सो डी एन वाई बाई डी एक्स एन इज इक्वल्स टू, दो टू था तो टू हुआ, एन है तो क्या हो जाएगा एफ एन एक्स। इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसे हम लोग वाई एन भी बोल सकते हैं, और इसे पढ़ते क्या है, इसे पढ़ते हैं हम हायर ऑर्डर nth ऑर्डर, सॉरी नॉट, ये हायर में ही है सारा, फर्स्ट खाली फर्स्ट ऑर्डर हो गया, बाकी सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेवन्थ सब कुछ आपका हायर ऑर्डर ही है, ठीक है। तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। चलिए एक हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, वो क्लियर हो जाएगा। आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, अगर आपको y इक्वल टू इतना दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले सॉल्यूशन वी हैव, हमारे पास है क्या है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू। हमें सेकेंड ऑर्डर निकालना है ना, पहले फर्स्ट ऑर्डर निकालेंगे। चलिए y1 निकालते हैं, y1 का मतलब आपको पता ही है ना, dy वाई बाई डी एक्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं y1। तो इसका मतलब इधर हमने, मैंने लगाया d बाई डी एक्स, तो यहां भी लगाएंगे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू। सो दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स एक बार एक्स स्क्वायर के साथ जाएगा, यानी कि डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, फिर एक बार थ्री एक्स के साथ जाएगा तो डी थ्री एक्स बाई डी एक्स, प्लस टू के साथ जाएगा तो डी टू बाई डी एक्स। सो दिस इज इक्वल्स टू एन एक्स, एन माइनस वन टू एक्स हो जाएगा, टू माइनस वन तो छोड़ देते हैं ना, अच्छा चलो लिख देते हैं एक बार में, प्लस ये थ्री कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, और डी एक्स बाई डी एक्स यानी कि वन हो जाएगा, प्लस टू का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू टू एक्स प्लस थ्री, क्या इज इक्वल्स टू आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू। अगेन डिफ्रेंशिएट करो आप, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इसका डिफ्रेंशिएशन ना, तो एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स, और एक बार थ्री का डिफ्रेंशिएशन डी थ्री बाई डी एक्स, अच्छा टू बाहर निकल जाएगा ना, और डी एक्स बाई डी एक्स वन हो जाएगा, तो टू इंटू वन प्लस थ्री का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, टू प्लस टू इंटू वन मतलब टू प्लस जीरो यानी कि टू, तो आपका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, टू आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, फाइंड वाई टू इफ वाई इज इक्वल टू कुछ भी ले लीजिए, टेन इनवर्स एक्स ले लीजिए, ठीक है, आपने निकालना है क्या, वाई टू निकालना है। चलिए देखते हैं फिर, सबसे पहले वी हैव, हमारे पास है, क्या है हमारे पास, वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, वाई वन, टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे, क्योंकि आपको वाई टू निकालना है ना, तो क्या करोगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, एक्स के रेस्पेक्ट में अगेन डिफ्रेंशिएटिंग। तो ये आपका वाई वन हो जाएगा, वाई टू इज इक्वल टू यू बाई वी, है ना, तो v इंटू यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू यू का डिफ्रेंशिएशन। तो 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर बाय डिनोमिनेटर यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज दैट y2 टू इज इक्वल टू, तो 0 इंटू दिस, 0 इंटू दिस 0 हटा दो, माइनस 1 इंटू मल्टीप्लाई जब छोड़ दो 1 को, 1 का डिफ्रेंशिएशन आपका 0 प्लस डी ऑफ 1, तो 0 प्लस का प्लस डी ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो देयर फोर वाई टू इज इक्वल्स टू माइनस का माइनस 0 प्लस 2 यानी 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आंसर, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन, इफ वाई इज इक्वल्स टू 5 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स, ठीक है, प्रूव दैट डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, प्रूव दैट डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। मतलब y इज इक्वल टू क्या है आपका 5 cos x माइनस 3 sin x, आपको क्या प्रूफ करना है, दिस प्लस दिस इक्वल टू जीरो, ठीक। चलिए फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। हमारे पास क्या है, तो वी हैव y इज इक्वल टू दिस, तो हमें डी टू चाहिए ना, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो पहले हमें फर्स्ट ऑर्डर निकालना पड़ेगा, तब जाके हम लोग सेकंड ऑर्डर निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। On differentiating with respect to x, तो ये हो जाएगा आपका y1 वन इज इक्वल्स टू, वाई वन मतलब dy by dx, dy by dx इज इक्वल्स टू 5 का 5 cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन x, देन माइनस का माइनस, ठीक है, 3 का 3 साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x, dy by dx इज इक्वल्स टू 5 का 5 cos x का माइनस साइन x, माइनस का माइनस 3 का 3 साइन x का cos x, ठीक है। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे हम लोग, तो जब हम लोग अगेन डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx क्या हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 5 का माइनस 5, साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x माइनस का माइनस 3 का 3, cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन x, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस 5 cos x माइनस माइनस प्लस 3 साइन x, अगर आप माइनस कॉमन बाहर निकालते हो तो हो जाएगा 5 cos x माइनस 3 साइन x, और ये पूरा कितने के बराबर है, ऊपर देखिए तो 5 cos x माइनस 3 साइन x y के इक्वल टू है ना। चलिए दिखा आपको ये कितने के इक्वल है, y के इक्वल टू है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा माइनस का माइनस और ये पूरा क्या हो जाएगा y, सो दिस इंप्लाइज दैट डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर ये इस साइड जाएगा, तो प्लस y इज इक्वल्स टू जीरो, प्रूव्ड, क्लियर। चलिए मैं आप लोगों को ना कुछ होमवर्क देती हूं। होमवर्क, सबसे पहले तो फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, आपको क्या निकालना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। फर्स्ट x टू द पावर 20, सेकेंड x cos x, ठीक है। चलिए और तीसरा एक प्रूफ दैट देती हूं। थर्ड क्वेश्चन, इफ इस इन दोनों में आपको क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन दोनों का, इसको ए बी कर देते हैं, ठीक है, ए और बी। चलिए ये क्वेश्चन नंबर वन है, क्वेश्चन नंबर वन में आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है दिस का और दिस का, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर टू है। क्वेश्चन नंबर टू क्या है, अगर इफ वाई इज इक्वल्स टू थ्री ई टू द पावर
2x प्लस 2 ई टू द पावर 3x, देन प्रूव दैट डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाय डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए क्या है आपका y इज इक्वल टू 3 e टू दी पावर 2x प्लस 2 e टू दी पावर 3x, और प्रूफ क्या करना है d2y टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाय डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बनाना है, ये आपका होमवर्क रहा। ठीक है, दिस इक्वल टू 0। चलिए, थैंक यू।